अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी तरह चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कवायद और उनके कुछ अज्ज़ा की, जिनका ताल्लुक JSSC CGL और झारखंड सहायक HR 6-8 से है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। JSSC CGL और झारखंड सहायक HR 6-8 में एक हिस्सा है मुतरादिफ ग्रामर है, मुतरादिफ कवायद में। मुतरादिफ क्या है, मुतरादिफ को समझते हैं, एग्जांपल भी देखते हैं इसका। मुतरादिफ अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो लिखने और बोलने में तो मुख्तलिफ हों। क्या है, जो लिखने में भी और बोलने में भी मुख्तलिफ हों मगर उनके मानी क्या हो, एक ही हों या तकरीबन एक जैसे हों, इसको हम क्या बोलेंगे, मुतरादिफ। मुतरादिफ बोलेंगे जिसको अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। मुतरादिफ अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो लिखने और बोलने में तो मुख्तलिफ हों मगर उनके मानी या एक ही हों या एक तकरीबन एक जैसे हों। मिसाल देखते हैं इसकी, जैसे मिसाल है आस और उम्मीद। ये दोनों लफ्ज़ बोलने और लिखने में अलग अलग और मुख्तलिफ हैं लेकिन दोनों के मानी क्या हैं, एक हैं। इसी तरह से अम्र और हुक्म, दोनों लिखने में भी और बोलने में भी अलग हैं लेकिन दोनों का माना क्या है, सेम है। उसके बाद है आराम आसाइश, दोनों लिखने में भी अलग हैं पढ़ने में अलग हैं लेकिन माना क्या है, सेम है। ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जो लिखने और बोलने में तो मुख्तलिफ हों मगर उनके मानी क्या हों, एक जैसे हों। ये मुतरादिफ अल्फाज की अब हम लोग फहरिस्त देखेंगे, जो कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा मिसालें हैं, हो सकता है उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग देखते हैं, मुतरादिफ अल्फाज की फहरिस्त को। आँख, आँख का मुतरादिफ क्या है, दीदा। मलाल, मलाल का मुतरादिफ क्या है, हुज्न। शब, शब का मुतरादिफ क्या है, लेल। जन्नत का है बिहश्त और दीदा का है आयन। दीदा का मतलब क्या होता है, आँख। अम्र का मुतरादिफ है हुक्म, अम्र का मतलब हुक्म, दोनों सेम है मीनिंग। तपिश, तपिश का मुतरादिफ है हरारत, दोनों का मीनिंग सेम है। आफ्ताब, आफ्ताब का मुतरादिफ है शम्स, दोनों की मीनिंग बिल्कुल एक है। सुकूत, सुकूत का मुतरादिफ है खामोशी। रजील, रजील का मुतरादिफ है घटिया। उसके बाद है योम, योम का मुतरादिफ है दिन। तलाश, तलाश का मुतरादिफ है जुस्तजू। महताब, महताब का मुतरादिफ है कमर। आगाज़, आगाज़ का मुतरादिफ है इब्तिदा। सलाह, सलाह का मुतरादिफ है मशवरा। सुखन, सुखन का मुतरादिफ है कलाम। तारीकी, तारीख का मुतरादिफ है अंधेरा। लालच, लालच का मुतरादिफ है हिर्स। नज़ीर, नज़ीर का मुतरादिफ है मिसाल। नज़ीर ये इससे होगा, नज़ीर इस तरह से मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। जाम, जाम का मुतरादिफ है प्याला। तेज़, तेज़ का मुतरादिफ है तुंद। तकरार, तकरार का मुतरादिफ है बहस। आसमान, आसमान का मुतरादिफ है फलक। उसके बाद आसूदा, आसूदा का मुतरादिफ क्या है, खुशहाल, खुशहाल। चाहत, मोहब्बत। लाग़र का मुतरादिफ है कमज़ोर। नाम का मुतरादिफ है इस्म। खसारा का मुतरादिफ क्या है, नुकसान। बीमार का मुतरादिफ है क्या, मरीज़। हुज़्न का मुतरादिफ है मलाल। जो भी वर्ड है वो लगभग सेम मीनिंग में है तो वही क्या है, मुतरादिफ है। फिराक का मुतरादिफ क्या है, जुदाई। कौल का मुतरादिफ है बात। आदमी, इंसान, दोनों एक ही चीज़ है, सेम मीनिंग है। बहादुर, शुजा। हसीन, खूबसूरत। तरीक, सिरात अरबिक वर्ड है। मदह, तारीफ। दोस्त का मुतरादिफ क्या है, साथी। पराया का मुतरादिफ है गैर। खुश का मुतरादिफ है शाद। दिल का मुतरादिफ है कल्ब। आप का मुतरादिफ है पानी। मुश्किल का मुतरादिफ है दुश्वार। पागल का दीवाना। खौफ का मुतरादिफ डर। महारत का मुतरादिफ है मलिका। आसान का सहल और कसरत का मुतरादिफ है बहतात। तसन्नो का मुतरादिफ है बनावट। दुरुस्त का मुतरादिफ है सही। दौलत का मुतरादिफ क्या है, माह। बाग का मुतरादिफ क्या है, चमन। हदीस का मुतरादिफ है बात। तसल्ली का मुतरादिफ है इत्मीनान। और जिल्लत का मुतरादिफ है रुसवाई। नहीब का मुतरादिफ है नातवां, कमज़ोर। ताला का मुतरादिफ है कुफल, ताला। मुकर्रर का मुतरादिफ है दोबारा। तारीफ का मुतरादिफ है तौसीफ। सदा का मुतरादिफ है आवाज़। शुजात का मुतरादिफ है बहादुरी। मनहज का मुतरादिफ है तरीक़ा। मनसब का है ओहदा। हरीस का मुतरादिफ है लालच। आफ्ताब का मुतरादिफ है सूरज। अब हम लोग देखते हैं इसमें मुसग़र को, इसमें मुसग़र क्या है। अभी तक हम लोग देख रहे थे मुतरादिफ क्या है, मुतरादिफ
को हमने समझा और इसकी जो फहरिस्त है उसको भी हम लोगों ने देखा। हो सकता है किसी फहरिस्त से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आमतौर से रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है। तो इस्म मुसग्गर को देखते हैं। इस्म मुसग्गर वो इस्म है जो किसी इस्म की छोटाई या बड़ापन जाहिर करे, जैसे किताब से किताबचा, पहाड़ से पहाड़ी, बाग से बागचा वगैरह। क्या इस्म मुसग्गर वो इस्म जो किसी इस्म की छोटाई जाहिर करे, क्या है छोटाई जाहिर करे। इस्म मुसग्गर का मतलब होता है इस्म मुसग्गर वो इस्म है जो किसी इस्म की छोटाई जाहिर करे, जैसे किताब से किताबचा, पहाड़ से पहाड़ी, बाग से बागशा वगैरह। बड़ापन नहीं होगा। इसमें मुसग्गर वो इसम है जो किसी इसम की छोटाई जाहिर करे, जैसे किताब से किताबशा, बाग से बागशा। ये चंद मशहूर अस्माए मुसग्गर क्या है। आँख, आँख एक लफ्ज़ है, उसकी मुसग्गर है अंखड़ी। बाग, बाग का इसम मुसग्गर है बागीचा। पलंग का पलंगड़ी, बच्चा का बचुंगड़ा, पहाड़ का पहाड़ी, प्याला का इसमें मुसग्गर है प्याली, ब्रिज का ब्रिजी, बंदी का बिंदिया, भाई का भैया। दुख का क्या मुतरादिफ, दुख का सॉरी दुख का इसमें मुसग्गर क्या है दुखड़ा, और बेटी का बिटिया, पागल का पगला, भूत का भूतनी, चोटी से चोटिया, झोंपड़ा से झोंपड़ी। अब देखते हैं इसमें मुकब्बर, इसमें मुकब्बर क्या है। इसमें मुकब्बर वो इस्म है जो किसी इस्म की बड़ाई या बड़ापन जाहिर करे, जैसे राजा से महाराजा, राजा से महाराजा। ये बड़ापन जाहिर कर रहा है राजा से महाराजा, रानी से महारानी, राह से शाहराह। तो इसमें मुकब्बर आप समझ गए। अब देखते हैं चंद मशहूर इस्माए मुकब्बर। अल्फाज बात, बात का इसमें मुकब्बर क्या होगा बतंगड़। राह का शाहराह, राजा का महाराजा, देव का महादेव, क्या है महादेव, सभा का महासभा, घड़ी का घड़ियाल, भारत का महाभारत, रानी का महारानी, पाप का क्या है महापाप, मंत्री का महामंत्री, सवार का शहसवार, कार का शाहकार, और पगड़ी का पगड़, और तीर का शहतीर। तो ये है इसमें मुकब्बर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों साबिका और लाहिका। साबिका क्या है, लाहिका क्या है, दोनों की तारीफ, मिसाल और फहरिस्त को देखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।